मदरसों के खिलाफ शिया बोर्ड की मुनादी, मदरसों की फंडिंग कर रहे आतंकवादी। रिजवी बोले, मुल्लों ने भविष्य अधर में लटकाया, मदरसों ने बच्चों को आतंकी बनाया। क्या खत्म होगा मदरसा सिस्टम? जी तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रिपोर्ट में सारी जानकारियां हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया है। पत्र में वसीम रिजवी ने कहा है कि मदरसों को भी सीबीएसई और आईसीएसई की मान्यता मिलनी चाहिए, साथ ही मदरसों की शिक्षा से बच्चे कट्टर पंथ की तरफ पढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। मदरसे की जो पढ़ाई है वो इतनी निचली सतह की हो रही है जिससे मुसलमान जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मदरसे हैं जो पकड़े गए जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 58 मदरसे, एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा गया है 58 मदरसे जिहादी ग्रुप से लिंक्ड है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आजकल की जो जरूरत है वो ये है कि जो कॉमन एजुकेशन है, जो आजकल की जरूरी तालीम है, वो बच्चों को। वसीम रिजवी के इस बयान के बाद सियासी भूचाल सा आ गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वसीम रिजवी को जोकर करार दे दिया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने भी वसीम रिजवी पर हमला बोला। देखिए, मुझे कोई ताजुब नहीं है, ये एक मसखरा है जिसने अपना ईमान बेच चुका है। ये RSS और BJP के इशारों पर काम कर रहा है और इस जोकर को ही पता नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान ISIS से दूर हैं। इसको बताना चाहिए। इस तरह का एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये इस तरह का एक मसखरा देता है जो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहा है। जो उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसों के सिलसिले में जो बात कही गई है वो इस सदी का सबसे बड़ा जोक और सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि मदारिस जो हैं उनका इस मुल्क की आज़ादी में सबसे अहम रोल रहा है। लेकिन ये कहना कि मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है और इसके सिवा कुछ नहीं। तो वैसे जहां वसीम रिजवी को RSS BJP का एजेंट करार दे रहे हैं, वहीं जिलानी भी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल यह है कि वसीम रिजवी के दावों में दम कितना है। क्या वाकई मदरसे आतंक की शिक्षा देते हैं? वसीम रिजवी के इस पत्र ने ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। वाकई सवाल कई बड़े खड़े कर दिए हैं इस पत्र ने, खासतौर से वसीम रिजवी ने जो सवाल किए हैं उस पर कई सवाल उन पर भी खड़े किए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो बीजेपी RSS के एजेंट हैं, योगी सरकार की बोली बोल रहे हैं और योगी सरकार के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का पत्र लिखा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है? क्या मदरसे कट्टर पंथ को बढ़ावा देते हैं? क्या मदरसों में कट्टरपंथ सिखाया जाता है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मदरसों को बंद करने से जो ये मांग की गई है, और क्या आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द इस डिबेट को हम रखेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। वसीम रिजवी साहब खुद हमारे साथ आज मौजूद हैं, चेयरमैन है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उन्होंने ये पत्र लिखा है। बहुत स्वागत वसीम जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब मौजूद है समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत सर आपका। राकेश त्रिपाठी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत राकेश जी आपका। और हेमंत तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत सर आपका। वसीम रिजवी साहब मुझे ये बताइए, ये अचानक से आपको मदरसों पर ये जो आपने गहनता के साथ ये बात कही है, अचानक से क्या बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद ये सारा क्यों याद आया? इससे पहले भी तो आप इस सवाल उठा सकते थे। देखिए, मैंने 2 अक्टूबर में सबसे पहली चिट्ठी लिखी है कैबिनेट सेक्रेटरी को और सारे स्टेट्स को
क्योंकि इस पे हम एक स्टडी कर रहे थे, हम मदरसों के बीच में गए, वहां पे जो सिलेबस इस्तेमाल हो रहे हैं वो देख के हमें इस बात का अफसोस हुआ कि वाकई बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हमने फिर उसका अध्ययन करना शुरू किया और दो चार पांच महीने में हमको ये बातें बिल्कुल साफ मिलने लगी कि मदरसों से ही बेरोजगार फैल रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर इससे पीड़ित लोग जो है वो गांव के लोग हैं। गांव में जो मदरसे खुले हुए हैं वहां पर टाट पट्टी के ऊपर लोगों को, बच्चों को बैठकर पढ़ाया जा रहा है, ना उनके खेलने की कोई जगह है, ना उनके टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का कोई इंतजाम है, 10x10 के कमरे पे उनको मान्यता मिली हुई है और वो उसमें उनको शिक्षा दी जा रही है। और देखिए आजकल का दौर, हम ये नहीं कहते कि इस्लामिक शिक्षा नहीं हासिल करना चाहिए, हर मुसलमान को इस्लामिक शिक्षा हासिल करनी चाहिए, अपने मजहब से अपने मजहब की पूरी मालूमात होना चाहिए, लेकिन आज आगे पेट भी है और परिवार भी है, परिवार को पालने के लिए रोजगार की जरूरत होगी, सरकारी नौकरियों की जरूरत होगी। कॉन्वेंट एजुकेशन अगर आप हासिल नहीं करोगे, आजकल की जो मुख्य धारा एजुकेशन की जो मेन धारा है इसके साथ में नहीं चलोगे तो इस्लामिक शिक्षा जो आपको मदरसों से मिल रही है खाली ये काफी नहीं है आपके मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है मैंने उस पर सवाल किया है और मैंने ये बात रखी है कि इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉन्वेंट स्कूल, ये जैसे कि मदरसा बोर्ड है, इनके बजाय ये स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड से जोड़े जाए, सीबीएसई बोर्ड से जोड़े जाए, आईसीएसई बोर्ड से जोड़े जाए और जो मजहबी एजुकेशन है वो ऑप्शनल रखी जाए ताकि दूसरे मजहब के लोग भी आपके इस इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए। लौटता हूं आपके पास वसीम रिजवी साहब। मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं AIIA के। मौलाना साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप वसीम रिजवी जी के बात से? क्या मदरसे आतंकी शिक्षा देते हैं? क्या मदरसों में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, मैं वसीम रिजवी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बचपन में कभी आपने किसी मदरसे में पढ़ा है या किसी मस्जिद में किसी मौलवी के पास आप गए हैं? एक सवाल। दूसरी बात यह है कि आप ये उन मदरसों के नाम बताइए जो 10x10 के कमरे में सरकार की मान्यता से चल रहे हैं। उस पर सवाल ये थी कि 10x10 के कमरे पर सरकार ने मान्यता कैसे दे दी। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ वसीम रिजवी साहब से कि शिया प्रसन्ना बोर्ड ने आपके खिलाफ फतवा दे दिया है कि आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। समाज, शिया समाज में आपकी कोई हैसियत नहीं है, दो आदमी आपके साथ खड़े नहीं है, लेडीज और बहुत आपके ऊपर जो क्लेम है, जो सरकारी फाइलें आपकी दबी पड़ी है उसमें हत्ता के आपके ऊपर रेप तक के आरोप लगे हुए हैं, वो फाइलें कहीं आपकी खुल ना जाए। देखिए, जबान से बात की क्या, रेप का आरोप आप जैसे मुल्क में लगते होंगे, रेप का आरोप, देखिए बिल्कुल रेप बात कर रहे हैं, मैं जो आपकी जायज बात की मैं सुन रहा था। मौलाना साहब, ऐसा है, ऐसी कोई बात मत कीजिए, आप साबित कीजिए जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है। रेप का इल्जाम आप जैसे मौलवियों में लगते होंगे, वसीम रिजवी पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा, आप झूठे हैं, आप मौलवी नहीं, आप झूठे हैं, आप फ्रॉड हैं। बात मत कीजिए मौलवी साहब, आप बहकाने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, अपने अल्फाज पहले वापस लीजिए। मैं डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा, आप अपने अल्फाज पहले वापस लीजिए, आप पहले अपने अल्फाज वापस लीजिए। आपने ये बात कैसे कह दी कि मैं ऊपर बलात्कार के मुकदमे है? आप गुमराह मत कीजिए, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों बोखला रहे हैं अगर आपके ऊपर इल्जाम नहीं है तो? आप नहीं चलते ही हो रहे हैं भाई, अगर आपके ऊपर इल्जाम नहीं है तो आप क्यों बोखला रहे हैं? ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रशीदी साहब, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी सर। रशीदी साहब, जो आपने सवाल पूछा आप उसका जवाब दे नहीं रहे, आप ये निजी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं यहाँ पर। रशीदी साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या मदरसों
मदरसों में आतंक, क्या मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है? आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी सर। ठीक है नहीं रशीदी साहब, ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर। नहीं ठीक है, समाज में कोई हैसियत नहीं है। ठीक है आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आपने सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक है सर, ठीक है मुस्लिम समाज, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, नहीं ठीक है, रुकवाने के लिए वसीम रिजवी साहब मेरी बात सुनिए सर, नहीं मेरी बात सुनिए। अगर आपके ऊपर ऐसा पर्सनल कमेंट किया गया है, आप पुलिस में जाके FIR कर दीजिएगा, अपना आपस में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलेगा सर। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। नहीं ठीक है, ठीक है, आप शिकायत कर दीजिएगा, आप पुलिस में चले जाइएगा। ठीक है, इसके हत्या रेप और जो केस लगे हुए हैं उन फाइलों को रोकने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है ये। वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के जहनों को खराब किया जा रहा है, उसमें पैदा की जा रही है। अरे समाज से दूर किया जा रहा है। मुस्लिम समाज में कोई हैसियत नहीं है। रेप और हत्या के जो केस है तेरे ऊपर और जो गबर के है वक्फ बोर्ड के, उन फाइलों को रुकवाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। अपूर्व आगे बढ़िए, ठीक है, ये लोग तो लगाएंगे नहीं, ये नहीं, ठीक है आपने आरोप लगा लिए सर। आपको लगता है आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए गलत है, आप जाके पुलिस में शिकायत कर दीजिएगा। यहाँ पर डिबेट का मुद्दा मत भटकाइए, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ। नहीं रशीदी साहब, आपसे भी ये दरख्वास्त है, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आपसे सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए भाई, कहा जा रहा है सुनील जी को वैसे ही कह रहे हैं कि आप लोगों के इशारे पर, बीजेपी आरएसएस के इशारे पर वसीम रिजवी साहब ये सारे खत लिख रहे हैं। क्या शिया वक्फ बोर्ड की चिट्ठी योगी सरकार की मन की बात है? देखिए अपूर्व जी, इशारों की भाषा हम समझते नहीं और इशारे करना हम जानते नहीं, लेकिन शायद मौलाना साजिद रसीदी बहुत सारी बातें इशारों के में समझते होंगे और इशारों शरों में बातें कर लेते होंगे। मेरा बहुत विनम्रता से कहना है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मन्नान वानी का एक चित्र आना हमारे लिए चिंता का सबब है। अगर शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्र किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि में जाते हैं तो ये चिंता का सबब है, वो किसी मदरसे में हो किसी यूनिवर्सिटी में हो, ये चिंता का सबब है कि शिक्षा के संस्थान एक योग्य नागरिक तैयार न कर पाए, किसी को आतंकी बना दे, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। आप वसीम रिजवी साहब ने जो बातें कही है वसीम रिजवी साहब की इतनी चिंताएं हैं और मौलाना साजिद रशीदी इनकी जवाबदेही है, इनकी जिम्मेदारी है, बीच में से टोकना है भाई। अध्यक्ष है, जिम्मेदारी है इनकी, जवाबदेही है कि एक समाज के लोग, एक वर्ग के लोग जिनका ये प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उस समाज में किसी भी प्रकार की गिरावट ना आए। सरकार के तौर पर हमने हमेशा कहा है कि दीनी तालीम कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन दीनी तालीम के साथ जो वास्तविक विषय है, वैज्ञानिक विषय है, वो मुख्य धारा में आने के लिए आवश्यक है, उनकी भी पढ़ाई साथ साथ होनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है। हम मदरसों को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं,
मदरसों के, इसीलिए हमने वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात की और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, कागजों पर चल रहे थे, केवल जो है छात्रवृत्तियां बटोर रहे थे, वो सब आज सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। हम मदरसों के आधुनिकीकरण की तरफ दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि जब बार बार ये बात कहकर के कि मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, कोई लोग दुकानदारी न चला पावे, मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ने का हक है। ठीक है, आप अपनी बात रख ली सर, अब्दुल हफीज गांधी साहब से रिएक्शन लूंगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई इस दावे में आपको लगती है कि मदरसों में जो पढ़ाई, जो तालीम दी जाती है वो इस लायक नहीं बना पाती कि बच्चे वहां से निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, इतने बड़े पदों पर बन पाए, आत्मनिर्भर हो पाए, कितना दम लगता है? और वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा में आतंक पढ़ाया जाता है, कितना दम आपको इन दावों में लगता है? अपूर्व जी, एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी धार्मिक जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हों, वो धार्मिक शिक्षा देते हैं और मदरसों में भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो सिर्फ 4% बच्चे मुसलमानों के हैं वो मदरसों में जाते हैं, यानी 96% बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर वो प्राइवेट शिक्षा या सरकारी जो कॉमन स्कूल है उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। ज्यादातर लोग मुख्य धारा की तरफ, देखिए ज्यादातर लोग मुख्य धारा की तरफ जाना चाहते हैं। मैं वसीम रिजवी साहब की ये बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि वहाँ पर इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, और ये बयान इनका बहुत अफसोसनाक है, मैं समझता हूँ, और ये बहुत नुकसानदेह बयान है, और इनको ये बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि इस तरह की कोई भी गतिविधि वहां पर नहीं होती है। हाँ, ये है कि धार्मिक शिक्षा है, और किस तरह की शिक्षा वहां पर और दी जानी चाहिए, वहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है, या मॉडर्न एजुकेशन दी जाए ना दी जाए, ये एक अलग बहस है और इस पर बहस हो सकती है। सरकारें इसमें वक्तन फवक्तन काम करती रहती हैं। आप कैसे देखते हैं, बहस हो सकती है क्योंकि कई सारी बातें इसमें कही जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं, लगाना कि क्या क्या चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात, मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात की एक निंदा करता हूं कि इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाता है। समाज के अंदर रेप्स होते हैं, मर्डर होते हैं, बहुत सारे हीनस क्राइम्स होते हैं, और उनका नाम यूनिवर्सिटी से जोड़ देना, मैं समझता हूं कि गलत बात होगी। कोई भी जुर्म कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ होता है, तो क्या हम इस तरह की दिल्ली यूनिवर्सिटी को या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को या लखनऊ यूनिवर्सिटी? ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया सर, आपने पॉइंट रख लिया सर। अंशु अवस्थी साहब, तो मैं इस बात की निंदा करता हूं राकेश त्रिपाठी की, निंदा कर लिया सर, आपने निंदा की, आपको किसी भी चीज से जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, समाज में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से पढ़कर निकलता है, वो सेक्शन सर आप बोले जा रहे हैं सर, दूसरों को भी मौका दीजिए, मैंने बोला ना सर, आपके पास लौटता हूं, आपने निंदा कर ली, आपने अपना पॉइंट रख लिया। अंशु अवस्थी साहब, देखिए अपूर्व जी, भारत लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबको अपनी शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो, तालीमी शिक्षा हो, या हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, देश को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसकी भी शिक्षा साथ साथ मिलती रहे। लेकिन वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही है कि मदरसों को बंद करने दे देना चाहिए, ये सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि आप देखें कि सरकार बदली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार पे आरोप लगाया करती थी, आज सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे मंत्री, मुझे लग रहा है सब बदल चुके हैं, रिशफल हो चुके हैं, 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन वसीम रिजवी साहब वहीं पे जमे हुए हैं, तो मुझे लगता है कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने आप लोगों को, दर्शकों को समझ में आती होंगी कि आखिर वो वहां पे जमे हैं, ठीक है, बाकी सब हट चुके हैं, तो दोनों के बाद का जवाब लूंगा आपसे। मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। अच्छा हेमंत तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, अगर मदरसों को आधुनिकीकरण का किया जाता है, अगर मदरसों में अच्छी पढ़ाई दी जा सकती है, सीबीएसई एनसीईआरटी के पैटर्न से पढ़ाई दी जा सकती है, मुसलमानों के बच्चे भी अगर अच्छी तरीके से सारे मैथ साइंस सारी चीजें पढ़े, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत लगती है सर? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, और तालीम तो हमेशा तरक्की के लिए होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली तालीम का भी हक सबको है। जहां तक वसीम रिजवी साहब की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि वसीम रिजवी साहब ने इधर उत्तर प्रदेश में नई सरकार आने के बाद कुछ ऐसी चिट्ठियां लिखी हैं या कुछ ऐसी पहल की हैं जिससे इन पे सवाल उठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस मसले पे मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गलत कह दिया है। मैं अपनी बात थोड़ा स्पष्ट करता हूं, और वसीम रिजवी सवाल उठना इसलिए भी लाजिम है क्योंकि इस तरह के बुनियादी सवाल इन्होंने
जो गुजरे पांच साल की सरकार थी अखिलेश जनाब अखिलेश यादव और आजम खान साहब की, उस वक्त नहीं उठाए थे, इसलिए इन पर सवाल उठना लाजिम है कि इन्होंने सवाल अभी क्यों उठाया, यही वक्त क्यों चुना और ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जो शायद इस सरकार को, इस सरकार की सोच वाले लोगों को अच्छी लगती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है ये बुनियादी है, पूर्व मेरी बात सुनिएगा बिल्कुल, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, पढ़ाई में व्यावसायिकता का पुट जरूर होना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि जो दीनी तालीम वाले मदरसे हैं अभी भी उनका जो सिलेबस है, उनके पढ़ाने का जो पाठ्यक्रम है, वो मेरे ख्याल में वो पूरा संपूर्ण नहीं है, इसकी गुंजाइश है कि उसमें सुधार किया जाए। लेकिन ये इल्जाम लगा देना कि मदरसों में कट्टरता पढ़ाई जाती है या मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा नहीं, ठीक है, हाईली अब्जेक्शनेबल बात है। हालांकि एक बात बताऊं पूर्व, जल्दी से एक मिनट मैं हाँ। तो चलिए जल्दी में छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ, एक मिनट सुन तो ले मेरी बात। वसीम रिजवी से जवाब, मैं कह रहा हूँ इस देश की जो सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी पिछले 25 साल की रिपोर्ट देख लें तो उसमें जरूर इस बात का मेंशन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में बॉर्डर से लगते हुए तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां कुछ ऐसी तालीम दी जाती है या जिनको इस तरीके से बढ़ाया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा टेररिज्म का पुट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको देखा जा सकता है, सवाल उठता है। लेकिन एकदम से इल्जाम लगा देना कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, मैं उसको बहुत जेन्युइन नहीं मानता हूं, ठीक है। फिर भी वसीम रिजवी साहब अब्दुल हफीज गांधी अंशु अवस्थी बात का कि दोनों के सवालों का जवाब, मैंने सबकी बात सुनी, मैंने एकदम से कोई इल्जाम नहीं लगाया है, मैंने दलील दी है वेस्ट बंगाल की जिसमें 58 ऐसे मदरसे पाए गए थे जो कि जिहादी ग्रुप से लिंक थे और उन पे कार्रवाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने की, कई मदरसों में वहां पे, अरे भाई 58 मदरसों की लिस्ट पूरी मौजूद है, आप जब दलाली, अरे साहब बोलने देंगे तो बताऊंगा ना, आप नहीं साहब ऐसे बैठोगे साहब बीच में, अगर आप मुंह बंद कर दीजिएगा तो मैं बात रखूंगा कैसे, आप बोलिए वसीम सर, बोलिए आप, देखिए बेवजह की बातें कर रहे हो, अब ये अगर बोलने ही नहीं देंगे, अगर बात अपनी रखने ही नहीं देंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या, और वक्फ बोर्ड के अंदर गबन के केस हैं, उन फाइलों को रुकवाने के लिए आप ये सारी हरकतें कर रहे हो, वो सारे केस हमारे ऊपर है, वो सब चल रहे हैं, बहुत से केस डिसाइड हो चुके हैं, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्र आप मत कीजिए, जो केस हमारे ऊपर चल रहे होंगे वो हम उसको उसके उसमें सक्षम है अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन आप बोलने तो दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, रेप, अरे जब बोलने नहीं दीजिएगा और लोग समझ रहे हैं तो उन्हीं को तो मुझे समझाना है भाई, अरे भाई मदरसों के अंदर जो बात हो रही है उस पर बात कीजिए ना, वक्फ बोर्ड के अंदर क्या, अगर वक्फ बोर्ड ने कोई बात अपनी रख दी, अगर हमने कोई बात रख दी तो इतना हम पर इतराज क्यों कर रहे हो, आप बात को समझने की कोशिश करो, अगर के मैंने कोई बात रखी है तो उसके कुछ साक्ष्य भी रखे हैं, आपने भाई हमने उसके कुछ साक्ष्य, अच्छा अच्छा मौलवी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, मौलवी साहब से कहिए कि ये कहे भारत माता की जय, आप बंगाल कब पहुंच गए, कब आपने, मौलवी साहब आप कहिए भारत माता की जय, अरे आप ये बताइए मौलवी साहब, कहेंगे आप देशभक्त हैं के बाशिंदे हैं, आप कहिए भारत माता की जय, रशीदी जी क्या दिक्कत है भारत माता की जय बोलने में, बोल दीजिए यार, रशीदी जी बोल दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, आप मुस्लिम समाज के वो आदमी है जिसको अजमे मौत, ये सवाल आपने इसलिए उठाया गया क्योंकि आप बोलते नहीं भाई, बोल दीजिए क्या दिक्कत है, वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, वंदे मातरम से ज्यादा भी बोल सकते हैं आप, अरे आप भारत माता की जय बोल दीजिए, आप तो कहते हैं भारत हमारे लिए सबसे ऊपर है, भारत माता हमारे लिए सबसे ऊपर है, आप तो कहते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा भारत माता, बोल दीजिए, अपूर्व मैं नहीं इसी चैनल पर अपूर्व मिश्रा आपको याद दिला दूं, बिल्कुल याद है सर, मुझे याद है हेमंत जी, दो महीना पहले याद है जर्मन आपकी तरह योगी और यही पढ़ा गया राजकारण पे नहीं खड़े हुए थे, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूँ,
तो बड़ा ये शर्मिंदगी का विषय है अगर उसके बाद भी आप उनके चैनल पर बुलाते हैं। रशीद साहब आप पे सवाल इसीलिए उठाए जाते हैं, आप तो आप सही कह रहा साहब, रशीद साहब आपको संविधान तक को नहीं मानते, आपको संविधान तक को नहीं मानते, राज्यसभा पे आप खड़े नहीं हुए थे, आप इस तरीके से आरोप लगाकर डिबेट को घेर सकते हो कुछ नहीं मुसलमानों में। अरे मैं मौजूद था, मैं मौजूद था राष्ट्रपति के समय, ये जनाब रशीदी साहब खड़े नहीं हुए थे राष्ट्रगान के समय इसी चैनल पर, बिल्कुल नहीं खड़े हुए थे मुझे याद है। हालांकि इस विषय इस विदेश इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वही है जो नहीं खड़े हुए थे। आतंकवादी गतिविधियां हो रही है तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की जय नहीं कह सकता, भारत माता की जय नहीं कह सकता। अब आप उसकी मानसिकता से अंदाजा लगाइए किस तरह की मानसिकता है, और ये मानसिकता जो दूसरे मुसलमान बच्चों में बाकी जा रहा है, जो दूसरे मुसलमान बच्चों में मानसिकता बाकी जा रही है, 20 साल में हिंदुस्तान का क्या चेहरा होगा बेटी है, उनका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। चैनल पर लाइव हुआ था आपका, पहले ये बातें कर रहे हैं। अरे आप सीधी बात कीजिए, बोर्ड की यहाँ की बात है भाई, लाइव हुआ था जो मुझे लगता है विकास एंकर थे और जनाब खड़े नहीं हुए थे, मैं भूल नहीं सकता हूँ वो पल। अरे मैं आज भी नहीं खड़ा हूँ, ये मदरसों में भारत माता की जय करने में इनकार कर रहे हैं, ये है मदरसे की तालीम। अरे वसीम रिजवी ज्यादा हिज्जत वाले हैं। अब आप समझ लीजिए मेरी सारी चिट्ठी जो मैंने चिट्ठी लिखी है। रशीदी साहब सवाल उठाया जा रहा है कि आप मदरसों में पढ़े इसलिए आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे, आप राष्ट्र को नहीं मानते। अगर ऐसा सवाल उठाया जा रहा है तो बोल दीजिए भारत माता की जय। जब आप कह रहे हैं भारत हमारे सबसे ज्यादा है, मदरसों में ऐसी शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती, कट्टरपंथ नहीं पढ़ाया जाता, तो आपके अंदर कट्टरपंथ क्यों लग रहा? अपूर मेरी बात सुनिए, अरे मौलाना कैसे, अपूर मेरी बात सुनिए, अपूर मेरी बात सुनिए सर, अपूर ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, इन्होंने इसी चैनल पर मैं मौजूद था। मिस्टर वसीम रिजवी सुनिएगा, मिस्टर रिजवी सुनिएगा मेरी बात, इन्होंने इसी चैनल पर मैं मौजूद था, पूर्व राष्ट्रगान गाया गया और मिस्टर साजिद रशीदी एक हिंदुस्तानी ये खड़े नहीं हुए, इन्होंने मना कर दिया। मैं आज भी खड़ा नहीं हूँ भाई, इस देश की भावना के खिलाफ इसी कट्टरपंथ को दूर करना है रशीदी साहब, देश पहले होना चाहिए, राष्ट्र पहले होना चाहिए, आप सभी का आप सभी को एक रोकना चाहूंगा। और रशीदी साहब आपको ये बता दूं, रशीदी साहब आपको क्लियर कर दूं, हेमंत तिवारी साहब ये बोल रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी नहीं बोल रहे हैं, हेमंत तिवारी साहब भी उसमें मौजूद थे डिबेट में, वरिष्ठ पत्रकार है हेमंत जी, वो ये बात बोल रहे हैं आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है सर, इसी कट्टरपंथ को दूर करना है सर। चलिए ठीक है, ठीक है, पैनल उनसे निवेदन कर रहा है कि बोल दे भारत माता की जय, पैनल उनसे निवेदन कर रहा है कि बोल दे, ठीक है, ये सच्चे भारतीय मुसलमान, इसी कट्टरपंथ को दूर करना है रशीदी साहब, इसी कट्टरपंथ को दूर करना है और कुछ नहीं है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी कट्टरपंथ को दूर करना है। वसीम रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप आगे डिबेट में हमारे साथ नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सवाल ये उठा रहेगा कि इसी कट्टरपंथ जो आप दिखा रहे हैं, आपके लिए राष्ट्र आगे नहीं है, देश आगे नहीं है, इसी कट्टरपंथ को दूर करना है, और जो मदरसे पर सवाल खड़े किए गए शायद इसी वजह से खड़े किए गए हैं, जो लाइव आज आपने उसका सबूत भी दे दिया। इसी के साथ फिलहाल बिग बुलेटिन के पहले आधे घंटे के डिबेट में इतना ही, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे एक दूसरा टॉपिक होगा, राकेश त्रिपाठी जी, गांधी साहब, अंशु अवस्थी जी और हेमंत तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा करने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटेंगे।